कॉन्फ्रेंसिंग के तहत सबको एमएलए जो विधायक आपने जो सलाह दी है, मेरा तो आपसे एक अनुरोध है हुकुम कि अभी ये पिछले चार ये पाँच सात दिन में जितने भी प्रवासी आए हैं इसमें हकीकत में सर मतलब मजदूर वर्ग नहीं आया है। इसमें तो वो लोग आए हैं जिनके पास खुद की गाड़ी थी, खुद की व्यवस्था थी, खुद की दुकान थी या खुद का फ्लैट था, और जो मतलब अपने साधन से या बस से आए तो मतलब 70-80 हज़ार रुपये खर्च करके बस से यहाँ आए। हकीकत मजदूर वर्ग है वो वहीं बैठा है, और खास तो दुखी वो आदमी है जो 10-10, 15-15 लोग एक कमरे में रह रहे हैं। उनके पास नहीं तो राशन है, नहीं इनके पास पैसे हैं, और हकीकत में उनके फ़ोन आते हैं, रोते हैं। मतलब इसके बारे में हमने पंचायतों में आपने कहा था, नगर पालिका में आपने कहा था कि सबकी आप रजिस्ट्रेशन करा दो, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। आज हालत ये है कि वो जिसके पास पैसा था, जिसके पास साधन संपर्क था, वो पहुँच गया, वो मजदूर आज भी नहीं पहुँचा। वो मैंने कल आपके सीएमओ में ईमेल की है, बेलारी के मतलब आपको 36 SC ST के ST के लोग हैं, भील, ग्रासिया और मीना, और एक महाराष्ट्र के में मतलब पीपला गांव के ग्रासिया 26 लोग बैठे हैं, बिना उनके कोई खाने पीने की व्यवस्था है, और वो मतलब वेट कर रहे हैं कि सरकार आपको कैसे लेकर आए। उनके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप उनको कैसे लेकर आओगे। तो चिंता इस बात की करनी है कि मजदूरों को कैसे लाए, इसके बारे में चिंता करनी है। दूसरा मेरा निवेदन है कि पीपी साहब ने जो बात कही है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी मतलब कोई भी डिसीजन लेती है तो उसका प्रकाशन होता है, भले टीवी में हो, आप मतलब न्यूज में कराए, मतलब अखबारों में आए, हमको पता ही नहीं लगता है, हम जनप्रतिनिधि। अभी मैंने जवाब दिया इस बात का, जो निर्णय होता ऑनलाइन डाल देते उसको साइट पे, स्टेट गवर्नमेंट साइट है। पीपी साहब ने कहा हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, वो भी करवा देंगे। अगर आप अकाउंट देख सकते हो तो साइट भी देख सकते हो, ओपन सीक्रेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा एक निवेदन है सर, जैसे पाली जिले से यूपी से लोग, आप सबको पीए दिया हुआ है, निवेदन ये है। जैसे आज मैं एक उदाहरण बात कर रहा हूँ सर, आज मेरे बाली ब्लॉक में 350 यूपी, मेरी बात सुनिए, ये जो प्रभारी वाला मामला, प्रवासी वाला, माइग्रेंट वाला, ये आप देख रहे हो, सुबह हम सुन रहे हैं, ये हमारे लिए भी टॉप प्रायोरिटी है, आपके लिए टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि वास्तव में लोग दुखी है, आपने ठीक कहा कि जो लोग ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, उनको तकलीफ आती है, अनपढ़ आदमी भी है उसमें। आज और वीडियो कॉलिंग हुई है दिल्ली के साथ में, हमने सारी भावना पहुंचा दी दिल्ली के अंदर, शाम तक उम्मीद करते हैं ऑर्डर आएंगे भारत सरकार गृह मंत्रालय से और छूट मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ हल हो जाएगी। बाकी आप क्या कीजिए, अगर आपके एरिया के कोई लोग हैं जो सामान बैठे हैं मेरे सामान, वो अपने एरिया की कोई खबर आपको लगे तो आप उनकी हेल्प कर दीजिए, गरीब अनपढ़ आदमी है तो लिस्ट बना दीजिए, मोबाइल फोन दे दीजिए, अगर है तो उनको अलग से बिहेव कर लेंगे, उनके साथ में लाने व्यवस्था कर देंगे, पर इतना आपको करनी पड़ेगी। मैंने भेजा भी आपके 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 ईमेल कर रखा मैंने, कंसर्न मतलब आपके जो सेक्रेटरी है जिस स्टेट के, उनको भी करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी करके कलेक्टर को देख, आप कलेक्टर सुबोध अग्रवाल, हमारे ACS इंडस्ट्री जो है उनका काम यही है सिर्फ, और कलेक्टर दे दीजिए, कॉपी इनको भेज दीजिए, वो हम लोग उनसे बात भी कर लेंगे, उनको लाने के बाद भी कर लेंगे। एक मेरा निवेदन लोगों के, जितने भी आपके प्रभारी सेक्रेटरीज है स्टेट के, वो मैं पिछले 5-6 दिन से कई जगह मैं किसी का नाम नहीं ले जाता हूँ, उनके सबके फोन डाइवर्ट किए हुए, सबके फोन डाइवर्ट है, किसी के फोन बंद है, किसी के आपके फोन जाता है रिप्लाई नहीं है, हो सकता है वो व्यस्त होंगे सर, पर MLAs के आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। उनको हमने बनाया अच्छे उद्देश्य से बनाया, पर जब 19 लाख लोग रजिस्टर करा देते, 19 लाख, आप कल्पना करो, अगर आपको मैं इंतजार बना दूं किसी बात का और लाखों लोग आपको टेलीफोन करने ट्राई करे तो आपकी क्या स्थिति बनेगी। उनको अच्छे उद्देश्य से बनाया, उनको बनाया मैं अच्छे उद्देश्य से,
इतने फोन आए कि वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं थे। इसलिए आपकी शिकायत वाजिब है, आप ही नहीं कर रहे हो, हम सब कर रहे हैं आपस के अंदर भी। वो सिस्टम बदल गया, अब इनको इंचार्ज बना दिया, उसके बाद में वो बात खत्म हो गई। अब कलेक्टर और इंडस्ट्री के ACS सुबोध अग्रवाल जी पूरी व्यवस्था हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक मेरा निवेदन, थैंक यू, धन्यवाद आपका। एक पॉइंट है हाँ, एक वो मैं आप पंचायत में अभी जो लोगों ने बात की है कि हैंडपंप खराब है, जनरली आजकल हैंडपंप मतलब पंचायत रिपेयर करती है, पंचायत समिति करती है, पंचायत करती है। नई पंचायत का फॉर्मेशन हो गया आज 6-7 दिन हो गए, इनके पास आज तक कोई बजट आया नहीं। SFC का बजट दे जिससे वो हैंडपंप के सामान खरीद सके और सामान हैंडपंप ठीक कर सकते हैं। आपके जनता दल के मतलब बिजली के बिल बाकी है और लाइट के कनेक्शन कट रहे हैं गाँव में। एक तो ये एक मेरा निवेदन है, आपके ANM और GNM की पोस्ट गाँव में मतलब 50% से अधिक खाली पड़ी है। अगर आप सुविधा पर लगा दें लोगों को जो ट्रेड सुविधा है, GNM है, तो वो लोग मतलब आपके PSC को मॉनिटर करके सही देंगे कि यहाँ सुविधा पर ये प्रॉब्लम हर साल आती है। आप भी रहे हो मंत्री, ये प्रॉब्लम आती है, इसको ठीक करवाएंगे अपन, ठीक है। बहुत खाली सर, बहुत खाली। थैंक यू। एक मेरा निवेदन है सर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसकी क्या कह रहा था इसका टेस्टिंग की। आज हमारे प्रवासी जिस तरीके से गांव में आ रहे हैं, वो आज पूरे बाली ब्लॉक में पूरा हमारे विधानसभा में 50 से ज्यादा सैंपल नहीं हुए हैं। बाली में टेस्टिंग शुरू हुई है, मतलब बाली विधानसभा में 50 से ज्यादा सैंपलिंग नहीं हुए हैं। तो ये मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सैंपलिंग बढ़ा दे, क्योंकि अभी बाहर से लोग आए हैं, वो तो सैंपलिंग बढ़ा दे ताकि हम इससे पहले से इससे अलर्ट रहे। तो हमें और आप सबसे मेरा निवेदन है जो क्वारंटाइन हो रहा है गाँव के अंदर, कई गांव तो विरोध भी कर रहे हैं कि आप इनको आप क्यों अलाउ करो हमारे गांव के अंदर, हम भी बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने जनप्रतिनिधि अपन हैं कि हम अपने अपने एरिया में देखें कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्या सुविधा, स्कूल हो सकती है या उनके घर में इतना घर बड़ा है कि वो घर में रह जाएंगे अलग से तो होम क्वारंटाइन हो जाएगा, स्कूल में या पंचायत भवन में हो जाए। पर इसका ध्यान हम सब जनप्रतिनिधि रखना पड़ेगा, वरना संख्या बढ़ जाएगी।